हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे मोडाल वर्ब ड्यूर्फन। कि ड्यूर्फन क्या है, इसकी कॉन्जुगेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पर हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं, जर्मन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि जर्मन किस तरह की लैंग्वेज है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक डेमो भी ले सकते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कैसे लैंग्वेज ऑनलाइन सीखी जा सकती है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि आपको वीडियोस पहले मिल जाया करेंगी, जैसे जो नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो आती है उससे पहले मिल जाएगी, यानी कि 2-3 डेज पहले आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये इस चीज़ का बेनिफिट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ड्यूर्फन क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसकी कॉन्जुगेशन कैसे करनी है, ये सब हम सीखेंगे। ड्यूर्फन, ड्यूर्फन का मतलब होता है मे। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो ड्यूर्फन में होता था मे। मे किस लिए यूज़ होता था? परमिशन के लिए, जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, मतलब ये कैन के तरह ही यूज़ होता है, कैन आई डू दिस, बट कैन हो गया सीधा थोड़ा सा इनफॉर्मल, ड्यूर्फन हो गया थोड़ा फॉर्मल, और परमिशन के लिए यूज़, क्या मैं मे आई डू दिस या मे आई कम इन, जैसे हम स्कूल में बोलते थे मे आई कम इन, कैन आई कम इन भी करेक्ट है, लेकिन कैन आई थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, मे आई थोड़ा फॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, एंड नाउ यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन, मे आई डू दिस, मैं क्या कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, ये परमिशन के साथ हो गया, रिस्पेक्ट दे रहे हो आप उस चीज़ को, राइट? तो पहले कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। और इसका एक और मतलब है, जैसे ड्यूर्फन कहाँ होता है, व्हेन समथिंग इज अलाउड, इज अलाउड आपको बोलना है कि ये अलाउड है, मतलब वही बात हो गई, परमिशन की ही बात हो गई। तो ये कैसे यूज होगा मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। इश डार्फ, ड्यूर्फन नहीं आएगा, इस डार्फ। तो आपको जब भी आप मोडाल वर्ब याद करेंगे तो सबसे पहले आपको इश देखना है, इश तो याद ही करना पड़ेगा, इश डार्फ, डू डार्फ्ट, एस टी लगा दिया, एज यस डार्फ। मैंने मोडाल वर्ब का आपको रूल बताया था, इश और एज यस सेम होते हैं। तो रूल नंबर वन क्या था, रूल नंबर वन आपका ये था, इश और एज यस आपके सेम होते हैं, आर सेम इन मोडाल वर्ब, ठीक है? क्या होती है, कॉन्जुगेशन सेम होती है। तो इश डार्फ, डू डार्फ्ट, एज यस डार्फ, वियर जीजी ड्यूर्फन एंड ईयर ड्यूर्फ्ट। तो इश डार्फ, डू डार्फ्ट, एज यस डार्फ, वियर जीजी ड्यूर्फन, ईयर ड्यूर्फ्ट, ये कॉन्जुगेशन हो गई। तो इश डार्फ हो गया हमारा, डू डार्फ्ट, एस टी जुड़ गया, एज यस डार्फ, क्योंकि मेरा रूल नंबर वन क्या गया था, इश और एज यस सेम होता है, वियर इज इज ड्यूर्फन एक्चुअल फॉर्म आ गई, एंड ईयर रूट उठाओ टी लगाओ ड्यूर्फ्ट। तो ये आपका रूल नंबर वन हो गया। अब रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट मोडाल वर्ब ऑब्जेक्ट देन नॉर्मल वर्ब, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में, राइट? तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको बनाना कैसे, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, जैसे मैं परमिशन मांग रही हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, डाफ इश, तो क्वेश्चन बनाने के लिए मे आई, तो डाफिश राइन कॉमन, कैन आई कम कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, डाफिश राइन कॉमन, या डू डास्ट, यस यू आर, यस यू आर अलाउड टू कम, मतलब यू मे, या डू डास्ट, राइट? जैसे आप अपनी मदर से पूछो डाफिश पिज़्ज़ा एसन, क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकती हूँ, डाफिश पिज़्ज़ा एसन, मे आई इट पिज़्ज़ा, तो आपकी मम्मा ने बोला नाइन डू डाफनिस्ट, नो यू आर नॉट अलाउड, तो बस नॉट अलाउड है तो डाफनिस्ट हो जाएगा, डू डाफनिस्ट पिज़्ज़ा एसन, इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगा, राइट? अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ड्यूर्फन तो मैंने आपको बता दिया, अब डर्फननिस्ट, इसके यूजेस कैसे आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो जैसे डर्फननिस्ट मतलब व्हेन समथिंग इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड,
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं, आपको आपने बोर्ड बना हुआ देखा होगा, ये बोर्ड है एंड वहां पर लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे हम इंग्लिश में ना वन यूज करते हैं, वन इज नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, जैसे हम इंग्लिश में बोलूं तो हम क्या बोलेंगे, वन इज नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, यहाँ स्मोक करना अलाउड नहीं है, बेसिकली इसका मतलब ये है, वन इज नॉट अलाउड। तो इज नॉट अलाउड के लिए तो आपके पास डिफरेंट निस्ट है, वन के लिए यहाँ मन यूज होता है, मन, तो मन का मतलब ये मैन नहीं है, ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब कहने का मतलब इसमें मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये मेल है या फीमेल है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वन कैन डू दिस, कि ये मतलब एज एन इंडिविजुअल कोई भी ये कर सकता है, वन कैन डू दिस, तो वन में आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल, तो मन यहाँ पर जो यूज़ होता है, वन जो यूज़ होता है वो एज अ मन यूज़ होता है, तो ये वन के लिए मान हो गया, इज नॉट अलाउड के लिए हमारे पास डिफरनिस्ट है, और टू स्मोक अभी हम आगे करेंगे, तो मान डार्फनिस्ट। अब आप पूछोगे मन के साथ डार्फ क्यों आया, क्योंकि मन के साथ ए जी एस वाली कॉन्जुगेशन आई, ए जी एस के साथ क्या आता है हमारा, डार्फ आता है, तो वही कॉन्जुगेशन यूज हुई है, मन डार्फनिस्ट, क्योंकि नॉट अलाउड है, मन डार्फनिस्ट हियर, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या नहीं कर सकते, टू स्मोक, स्मोक को बोलते हैं राउखन, सो वन इज नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, मन डार्फनिस्ट हियर राउखन, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हियर डार्फ मन निस्ट राउखन, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, हियर डाफ मन निस्ट राउखन, मतलब हियर वन इज नॉट अलाउड टू स्मोक, आप ये मत समझना ये हियर की वजह से डाफ लगा है, डार्फ तो आपका मान की वजह से लगा है, बस आपका सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन में, सब्जेक्ट हमारा देखो वर्ब नहीं हिलती है, जर्मन में वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहती है, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है या थर्ड पोजीशन पे, कॉन्जुगेशन हमारे सब्जेक्ट पे ही होती है, इससे नहीं हुई है तो हमने आगे लिख दिया है, ऑब्जेक्ट जर्मन में ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं बट कॉन्जुगेशन इसी से होती है, हियर डार्फ मान निस्ट राउखन, ये मान की वजह से डार्फ लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मान है, हियर वन इज नॉट अलाउड टू स्मोक, इस तरह से। अब जैसे मैं और सेंटेंसेस बनाती हूँ, जैसे वन इज नॉट अलाउड टू ईट, कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है तो वन इज नॉट अलाउड टू ईट वहां पर लिखा हुआ है, तो आप क्या सेंटेंस बनाओगे, वन वन हो गया हियर, हियर यहाँ पर, तो वन मान डार्फनेस्ट हियर एसन, यहाँ पर खाना अलाउड नहीं है, और इसको आप कैसे बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो, हियर डार्फ मान निस्ट राउखन, आई मीन एसन, हियर डार्फ मान निस्ट एसन, मन डार्फनिस्ट हियर एसन और हियर डार्फ मान निस्ट एसन, आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि जर्मन में फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भी ऐसे बनता है, आप ऐसे भी बना सकते हो जर्मन में, यहाँ उल्टा, बस यहाँ क्योंकि वर्ब नहीं हिलती है यहाँ पर, यहाँ बाकी सब चीज़ें हिल सकती हैं, बट सब्जेक्ट भी क्या होता है, या तो वर्ब के इधर होगा या राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे ले आऊँगी, नहीं, सब्जेक्ट इर्द गिर्द ही मिलेगा वर्ब के, या तो फर्स्ट पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे, और वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी, ऑब्जेक्ट हिल सकता है इधर उधर, राइट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जर्मन में हम ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है, तो हियर डार्फ मान निस्ट एसन, जब अगर आपको बोलना हो वन इज नॉट अलाउड टू डू दिस, वन इज नॉट अलाउड टू वॉच टीवी, तो आपको डार्फ यूज करना है, वन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू वॉच टीवी, टीवी देखना अलाउड नहीं है यहां पर, तो मान डार्फ निस्ट हियर फैन जेहन, सिर्फ अपने मतलब ये लाइन तो कॉमन ही होगी, मन डाफ निस्ट हियर फैन जेहन, जहां आपका वो आता है ना नो स्मोकिंग, तो बस आपको नो के लिए ये पूरा यूज करना है मन डाफ निस्ट हियर, और बाकी वो वर्ड यूज कर लिया राउखन, नो ईटिंग मन डाफ निस्ट हियर एसन, नो टीवी मन डाफ निस्ट हियर फैन जेहन, राइट, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आप अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो वास डार्फिश, जैसे आप डॉक्टर से पूछो मेरे को क्या अलाउड है, व्हाट आई एम अलाउड टू ईट, जैसे आप डॉक्टर के पास गए हो और आप पूछना चाहते हो मेरे को क्या अलाउड है, वास डार्फिश एसन, कि मुझे क्या खाना, तो उन्होंने बोला डू डार्फ
नुअर ओब्स्ट उन गेम्यूज एसन, कि सिर्फ तुम्हें, नुअर मतलब ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा सकते हो, उन गेम्यूज एसन, गेम्यूज होता है वेजिटेबल, सिर्फ तुम्हें ये खाना अलाउड है, यू आर अलाउड टू ईट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इस तरह से आंसर कर सकते हो। येस नो वाला क्वेश्चन है तो इस तरह से, डार फिश राउखन, क्या मैं स्मोक कर सकती हूँ? नो यू आर नॉट अलाउड टू। तो नाइन डू डाफ नेस्ट, नाइन डू डाफ नेस्ट, डू डाफ नेस्ट, राइट? आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँ, लाइक आएँ, सब्सक्राइब आएँ, आई मीन सब्सक्रिप्शन बढ़ें, तो उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और 50,000 जल्दी कीजिए। आई वॉन्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइबर मैं चाहती हूँ कि हमारे 50,000 हो जाए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड थैंक यू वेरी मच।